हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित तिरवान। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट लैपटॉप फॉर ऑनलाइन क्लासेस के लिए। ठीक है, मैं पहले ये क्लियर कर देता हूँ, इट इज नॉट मैंडेटरी। ये जरूरी नहीं है कि तुम्हें एक लैपटॉप की जरूरत है अगर तुम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो। ठीक है, तुम एक फोन से भी काम चला सकते हो, तुम एक टैबलेट से भी काम चला सकते हो। बट क्यों लोग प्रेफर करते हैं ये, मैं आगे आगे और समझाऊंगा, पर अभी दो बातें बता देता हूँ क्यों हम उसकी जगह इसे प्रेफर करते हैं। पहली जो बात आती है वो ये आती है कि हमें आंखों में स्ट्रेन पड़ता है। अगर हम छोटी स्क्रीन पे देख रहे हैं तो हमारी आंखों में स्ट्रेन पड़ेगा। ठीक है, वो इसमें नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें सही स्क्रीन है, तो आंखों में दर्द नहीं होगा। पहला ये होता है रीज़न। दूसरा रीज़न जो होता है वो ये होता है कि भाई मान लो तुम अब ऑनलाइन जब पढ़ रहे हो तो तुम्हें बीच में डाउट आ जाता है, तो तुम्हें सर को कमेंट करके लिखना पड़ता है। ठीक है कि सर ये डाउट आ रहा है। मैंने एक वीडियो में बताया था, ठीक है, वो बच्चे फॉलो भी कर रहे होगे तुम सब, कि अपने जो फ़ोन है या फिर जो स्क्रीन है उसको अपने आंखों के बिल्कुल सामने रखना होता है, जिससे कि जो कमर है ये बेंड ना हो, है ना। तो अगर भैया बच्चों के दिमाग में ये डाउट आया कि भैया अगर हम आगे रखेंगे और हमें अगर डाउट आ गया, हमें कोई कमेंट करना है सर को, तो हम उसे उठाएंगे, फिर उसके बाद कमेंट करेंगे, फिर वापस रखेंगे, इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा और बहुत सारी प्रॉब्लम है, वो ये कवर इनको उसको आराम से प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा हमारा लैपटॉप। ठीक है, उसमें तुम सामने रखा है, तुम टाइप कर दोगे, भेज दोगे। तो ये दो मेन प्रॉब्लम होती है जो कि लैपटॉप सॉल्व कर देता है। ठीक है, अगर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो ही हम इस पे जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, हम उससे भी काम चला सकते हैं। ओके, हाँ बात करते हैं। मैंने एक लिस्ट बना दिया पूरी, जिसमें कि मैंने 40,000 से लेकर 65,000 तक के बेस्ट लैपटॉप्स तुम्हें बताए हैं। हर प्राइस रेंज के मैंने लैपटॉप निकाला है कि इतने से प्राइस रेंज है तुम्हारा तो ये वाला लेना, इतना प्राइस रेंज है तो ये वाला लेना। दिमाग में ये आता है कि भैया मेरा एक दोस्त है या मेरा एक भाई है या मेरा एक अंकल है, उन्होंने तो बोला है कि ये 30,000 वाला लैपटॉप है ये ले लो, सही चलता है, हमारा तो सही चल रहा है, उन्होंने अभी लिया है 20,000 का लैपटॉप है, तो हम 40,000 पे क्यों जाएं। ये सब आगे समझ में आएगा, बट मैं लेमैन भाषा में समझाऊं तो देखो क्या होता है ना कि भाई हर एक बंदा ये चाहता है कि मैंने अभी लैपटॉप ले लिया है तो वो 2-3 साल तक तो सही चले, है ना। बार बार हमें ये ना करना पड़े कि बार बार सर्विस सेंटर के चक्कर काट रहे हैं, बार बार उसको रिपेयर के लिए भेज रहे हैं, सर दर्द हो रहा है, बीच में एक एक महीने के लिए रिपेयर हुए सर्विस सेंटर पे गया हुआ है रिपेयर होने, उससे टाइम वेस्ट होता है। तो हम क्या चाहते हैं कि भाई कंफर्ट रहे, थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी ना हो। ठीक है, तो अगर हम 30,000 रुपये खर्च कर ही रहे हैं तो उसमें 10-20,000 रुपये करके एक अच्छा लैपटॉप ले लें, ठीक है, जिससे कि हमें बाद में परेशानी ना हो। तो वही परेशानी को वो 20-30,000 रुपये वाले जो हैं वो सब उसमें परेशान करते हैं उसको। ठीक है, तो मिनिमम हमें 40,000 रुपये तो खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, लिस्ट जो है वो अभी 2 मिनट आगे बताऊंगा मैं, उससे पहले एक और क्लियर कर देता हूँ चीज़। क्या कि भाई मैंने अभी एक लिस्ट दे दी, उसमें बच्चे कहेंगे कि भैया एक अंकल हैं उन्होंने चलो मेरे को महंगा ही लैपटॉप बताया है, पर वो मॉडल आपने नहीं बताया मेरे को, तो अगर मेरे को वो मॉडल लेना है तो मैं क्या सोचूं, क्या वो सही है। तो उन सब के लिए भी मैं एक रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ, ठीक है, एक स्पेसिफिकेशंस बता रहा हूँ कि अगर ये स्पेसिफिकेशन उस वाले मॉडल में है तो वाला ले लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, लिस्ट देखनी है तो डायरेक्ट 2-3 मिनट आगे स्किप करो, मैं पूरी लिस्ट उसमें समझा रहा हूँ। अभी मैं स्पेसिफिकेशंस थोड़ी सी ऊपर ऊपर से समझाऊंगा। तो क्या क्या होना चाहिए उस मॉडल में, पहली बात होता है स्क्रीन साइज। अगर तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो कॉलेज स्टूडेंट को हमें छोटी स्क्रीन चाहिए होती है, भाई वो पोर्टेबल हो, ठीक है, हमें लेके इसे पूरे हर जगह घूमना है, ठीक है, तो पूरे कॉलेज में हमें घूमना होता है तो छोटी चाहते हैं, हम चाहते हैं हल्का हो, इसलिए छोटी स्क्रीन साइज कॉलेज स्टूडेंट्स जो है वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। पर अगर तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो तुम्हें एक बड़ी स्क्रीन साइज चाहिए जिससे कि आंखों में स्ट्रेन ना पड़े, तो इसलिए पहली चीज जो हमें कंसीडर करनी है वो है स्क्रीन साइज। दूसरी चीज पे आते हैं, दूसरी चीज होती है रैम। मिनिमम रैम 4 GB होनी चाहिए, उससे कम नहीं लेनी, ठीक है। अब मैं आगे बताऊं कि भैया रैम क्यों इंपॉर्टेंट है, वो सब में डीप में जाने का काम नहीं है, ऊपर ऊपर से बात करते हैं। 4 GB मिनिमम, 8 GB मिल जाए तो वेल एंड गुड, बहुत सही होता है, ठीक है। तीसरी चीज, तो दो चीज क्लियर हो गई, तुम्हारी स्क्रीन साइज और रैम। तीसरी चीज होती है तुम्हारी स्टोरेज। स्टोरेज जो होती है वो 3 तरह की आती है लैपटॉप में। एक कुछ लैपटॉप ऐसे होते हैं जिसमें HDD प्लस SSD दोनों होते हैं, HDD और SSD दोनों होते हैं। कुछ लैपटॉप होंगे जिसमें खाली SSD होगी, कुछ लैपटॉप होंगे जिसमें खाली HDD होगी। हमें कौन सा लेना है, या तो हम दोनों वाले लेंगे, HDD और SSD दोनों हो, या फिर खाली SSD हो। खाली HDD वाला नहीं लेना। क्यों भैया, वो क्यों नहीं लेना, वो स्लो कर देते हैं कंप्यूटर को, ठीक है। तुम भाई ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बीच में ये चाहोगे कि बार बार हैंग हो जाए, नहीं ना। तो जो SSD होता है वो क्या काम करता है, SSD ये काम करता है कि वो फास्ट कर देता है कंप्यूटर को। अगर लेमैन भाषा में समझाऊं, तुम सारे अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अपने हायर एप्लीकेशन है, वो SSD में डाल दो, उससे तेज बूट होगा, ठीक है, कंप्यूटर फास्ट चलेगा। तो इसलिए हमें ये वाले लैपटॉप लेने हैं जिसमें खाली SSD हो या फिर HDD SSD दोनों हो, खाली HDD वाला नहीं लेना। ओके, 3 बात समझ में आ गई। चौथी बात होती है बैटरी लाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम ये नहीं चाहते बार बार प्लग करके बैठे रहे। ओके, हम कई बार भाई बिना प्लग करे, हम कई बार ऐसी जगह बैठ के पढ़ रहे हैं जहाँ पे प्लग नहीं है, तो कई ऐसे होंगे लैपटॉप जिसमें लिखा होगा कि अप टू 5 आवर अप टू 6 आवर बैटरी लाइफ। तो देखो वो ठीक है, शुरू में तो 5-6 घंटे दे देंगे, बाद में 1 साल बाद 2 साल बाद उसके कम हो जाएगा, फिर तुम्हें बैटरी चेंज करनी पड़ेगी और परेशानी झंझट आ जाते हैं।
तो देखो मिनिमम बैटरी लाइफ तुम्हारी 8 घंटे तो होनी चाहिए जो भी लैपटॉप ले रहे हो, ठीक है। कई लैपटॉप ऐसे होते हैं जिसमें 11-12 घंटे होते हैं, वो तो और अच्छे हैं, ठीक है। तो ये चार चीज़ें तो मिनिमम चीज़ है जो कि तुम्हें दिमाग में रख लिया, ओके। अब बात करते हैं सीधा लिस्ट पे कि कौन कौन से लिस्ट है, तो मैं सीधा तुम्हें बताता हूँ कि भाई ये प्राइस रेंज है तो ये वाला लेना है, ये प्राइस रेंज है तो ये वाला लेना है, ये प्राइस रेंज है तो ये वाला लेना है। चलो स्क्रीन पे चलते हैं सीधा। देखो भाई ये सीधा हायर प्राइस रेंज, सीधा 65,000 वाली प्राइस रेंज पे जा रहा हूँ मैं, अगर तुम्हारा अफोर्डेबल है तो, ठीक है। इसको तो आंख बंद करके ले सकते हो अगर ये प्राइस रेंज है, ठीक है। मैं पहले पहले विंडोज़ यूज़ करता था, अब मैं मैक पे स्विच करा है क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट्स इसकी तरह से हो गई थी, वीडियो एडिटिंग और बहुत सारी चीज़ें। ये ऐसा सिस्टम है जिसमें भाई हर चीज़ चलती है, ठीक है, मतलब कि ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, बहुत फास्ट है, बहुत अच्छी बैटरी लाइफ है इसकी। तो अगर तुम इस प्राइस रेंज में हो, ठीक है, इस वाली प्राइस रेंज पे हो, तो आँख बंद करके ये वाला लैपटॉप ले लेना, बेस्ट लैपटॉप है, ओके। अब अगर हम भाई बात करें, हम भाई मेरे को मैक नहीं लेना, ठीक है भाई, मेरी प्राइस रेंज भैया 65,000 ही है, बट मेरे को मैक नहीं लेना, मेरे को विंडोज़ पे जाना है, तो विंडोज़ के लिए ये वाला लैपटॉप है, एसर एस्पायर वाला, ये मैंने स्क्रीन पे दिखा रखा है। ये लैपटॉप बहुत अच्छा है अगर वही प्राइस रेंज पे लेना है, ठीक है। तो 65,000 में अगर तुम्हें मैक में जाना है तो एयर है ही अपना मैकबुक एयर, और अगर उसी प्राइस रेंज में तुम्हें विंडोज़ पे जाना है तो तुम ये वाला लैपटॉप ले सकते हो। सारे के सारे लैपटॉप का जो है, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो चाहे अमेजोन हो, उसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है, ठीक है, वहाँ से जाके तुम उसे परचेज कर सकते हो। अब ये दिमाग में मत रखो कि भैया ऑनलाइन लेना सही रहेगा क्या, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया, ठीक है, बहुत सही रहता है, कई बार तो ऑनलाइन पे सस्ता पड़ जाता है, मेरे को ये ऑनलाइन पे सस्ता पड़ा है ऑफलाइन के कंपेरिजन, ठीक है। तो नीचे लिंक मैंने दे रखे हैं, बेस्ट प्राइस के लिंक है, वो वहाँ से जाके तुम परचेज कर सकते हो, ओके। ऑनलाइन से ही रहता है, इतना कुछ परेशान होने वाली बात नहीं है, अब हम मॉडर्न हो चुके हैं, ओके। अब बात करते हैं हम, भैया हमारी प्राइस रेंज 65 नहीं है, हमारी 60 है, ठीक है। 60,000 के लिए दो लैपटॉप हैं, एक है Asus VivoBook, ठीक है। अब कई बोलेंगे कि भैया मेरे को इन वाले में नहीं जाना, मतलब मेरे को HP या Dell में जाना है, ठीक है, ठीक है। तो तुम्हारी अगर 60,000 की प्राइस रेंज है तो ये वाला लैपटॉप बहुत अच्छा है, ठीक है। ये मेरे एक दोस्त के पास भी है, बहुत अच्छा चल रहा है उसका लैपटॉप, ठीक है। i5 8 जनरेशन है, 8GB रैम है, 512GB, ठीक है, साथ में इसमें ग्राफिक कार्ड भी लगा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, और बहुत हल्का भी है, बहुत स्लिम भी है, तो तुम इस वाले पे जा सकते हो। पर अगर तुम्हें एक ऐसी ब्रांड पे जाना है जो कि मतलब वेल एस्टेब्लिश ब्रांड है तो तुम इसी प्राइस रेंज में ये आता है HP का 14S, ठीक है। ये भी एक दोस्त के पास है मेरे, बहुत अच्छा लैपटॉप है, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है चलने में, SSD है इसमें, 1TB हार्ड डिस्क है, 8GB की रैम है ना, 14S CR2000 TU, ठीक है। इसका भी लिंक, सबका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो। इस समय तो ये SBI का चल भी रहा है, जिस समय वीडियो मैं डाल रहा हूँ, 10% इंस्टेंट डिस्काउंट है, ठीक है, वो सब देख सकते हो। तो 65,000 वाले हो गए, 60,000 वाले हो गए, अब मैं जाता हूँ 50,000 पे। अगर मैं 50,000 पे जाऊँ तो 50,000 के लिए बेस्ट लैपटॉप है ये, लेनोवो का आइडिया पैड, ओके। तो ये लैपटॉप बहुत अच्छा लैपटॉप है, इसमें हर चीज़ है, ठीक है। ये तुम्हारा थिन है, बहुत ज़्यादा लाइट है, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारी i5 है, इसमें 8GB 512GB की SSD है। तो 50,000 की अगर रेंज है तो तुम इसमें जा सकते हो। अब भैया हमें कैसे पता चलेगा कौन सा अच्छा है, भाई 50,000 का भी आप बता रहे हो। देखो सारे के सारे जो है ना, ये एक तरह से तुम मान लो सब सेम की तरह ही है, ठीक है। जो भी मैं लैपटॉप बताऊंगा, बस ये है कि कईयों में ग्राफिक कार्ड होता है, ये सब होता है। पर अगर तुम ऑनलाइन ले रहे हो, ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हो, तो ग्राफिक कार्ड की इतनी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो तुम इस वाले पे जा सकते हो, हायर मत जाओ, सेम स्पेसिफिकेशन है इसकी भी, ठीक है, लेनोवो का ही है, इसका भी नीचे मैंने लिंक दे रखा है। अब भैया 50,000 हो गए, अब अगर 40,000 की बात करें, 40,000 पे ये बहुत अच्छा है, डेल इंस्पिरॉन का, डेल का ये बहुत अच्छा लैपटॉप है। ये भी मेरे कॉलेज में एक बच्चे के पास है, बहुत सही चल रहा है, 4GB इसकी रैम है, 1TB हार्ड डिस्क, 256GB SSD है, विंडोज 10 है, ठीक है, i3 है बट ये, ठीक है, वो i5 थे जो आगे वाले थे, वो i5 थे, एक i7 भी था जो एसर वाला था, ठीक है, ये एसर वाला जो था ये i7 था, हाँ ये i7 था, पर ये जो डेल वाला ये i3 है। तो अगर तुम्हारा 40,000 की प्राइस रेंज है तो तुम इसको ले सकते हो, ये भी बहुत अच्छा है, ये तुम्हारी ऑनलाइन स्टडीज़ में ज़्यादा मतलब ऑनलाइन स्टडीज़ में बिल्कुल भी परेशानी नहीं देगा, ठीक है। तो ये सारे लैपटॉप हैं, जो भी अच्छा लगे, जो भी तुम्हारे को अपने प्राइस रेंज पे सूटेबल हो रहा है उस पे तुम जा सकते हो और उसको परचेज कर सकते हो, एक दो दिन में आ जाएगा यार, कर दो ऑर्डर, ठीक है। तो हर बार की तरह पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है और आग लगा देनी, चलो जाओ पढ़ लो, चाहे फोन पे पढ़ो अभी तो उस पे।